हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 52 वीक हाई और 52 वीक लो। जो भी देखिए दोस्तों, जो भी कोई स्टॉक होता है उसका 52 वीक एक हाई मेंटेन रहता है और एक 52 वीक लो मेंटेन रहता है। और 52 वीक हाई और लो कितने अच्छे इंडिकेटर, कितने अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे। और एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू कि हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो, जो भी 52 वीक की रेंज बन रही है हाई और लो को माइनस करने के बाद, उससे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो एक तरीका जानेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों ये वीडियो। तो एक और अनाउंसमेंट मैं दोस्तों करना चाहूंगा, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर हम डेली कॉल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंट्राडे की। आप हमारी परफॉर्मेंस जाके देख सकते हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस हमारी चल रही है और बहुत ही कम जो है हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। और अभी तक देखिए 30 से 40 कॉल्स दे दी जा चुकी हैं इंट्राडे में, जो कि आपको ये देखिए आधे से 1% पर ट्रेड मूव दे दे रही हैं। और जहां स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वहां 3 से 4 स्टॉप लॉस से ज्यादा अभी तक हिट नहीं हुए हैं। हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। आप चाहें तो आप टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी इंट्राडे में जो हाई क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। 52 वीक, देखिए 52 वीक की जो रेंज होती है वो एक टेक्निकल इंडिकेटर की तरह काम करता है दोस्तों, जो कि आपको 52 वीक का लो और 52 वीक का हाई जो बनता है किसी भी स्टॉक का वो बताता है। देखिए इसे मैं ज्यादा ना थ्योरी ना बताते हुए मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा कि 52 वीक हाई और 52 वीक लो कैसे बन रहा है दोस्तों। देखिए हम इसके लिए वीकली चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। वीकली वीकली चार्ट में एक कैंडल जो होती है वो एक वीक की होती है। यहाँ से अगर हम 52 वीक्स लें, 52 वीक्स मतलब एक साल होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से 3/5/2018 है और यहाँ पे आप कहीं आ जाइए 3/13/2018। तो यहाँ यहाँ जब आप ये वाली रेंज पूरी लेंगे, मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कीजिए, और अगर जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे तो ये जो रेंज बनती है 52 वीक हाई और लो की रेंज बनती है। तो देखिए आप जैसा देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का 52 वीक हाई जो है वो 2014 है और 52 वीक लो अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास है दोस्तों। तो देखिए ये 52 वीक हाई और लो कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये क्यों होते हैं दोस्तों, इसका रीजन होता है। ये देखिए सबसे पहली चीज ये होती है कि जो बहुत ही लार्ज इंस्टीट्यूशंस है, लार्ज FIIs हो गए, आपके लार्ज DIIs हो गए, लार्ज म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, वो 52 वीक हाई लो को ट्रैक करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 52 वीक हाई और लो के अराउंड जो है आपको बाइंग और सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि देखिए जो भी FIIs होंगे वो 52 वीक हाई के आसपास जो है सेल करेंगे या 52 वीक लो के आसपास बाय करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं, मान लीजिए काउंटर ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है और 52 वीक लो हिट करा है किसी स्टॉक ने, तो वो देखिए डाउन ट्रेंड में है, जब वो काउंटर मूव मतलब वो रिट्रेसमेंट एक रिट्रेसमेंट वाली मूव को खाना चाहते हैं, तो उसमें जो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट जाके सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट को जब भी खाना चाहेंगे तो उसके लिए जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस जो अपना लगाएंगे, स्टॉप लॉस का लेवल जो होगा वो 52 वीक लो के नीचे होगा। तो इस केस में देखिए 1400 के नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा होगा और अगर वो शॉर्ट करेंगे तो 2014 के ऊपर जो है आपका स्टॉप लॉस लगा होगा। तो यहाँ ये वाले जो लेवल्स होते हैं इनके आसपास जो है हजारों लाखों की तादाद में ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि ये एक ईयर के लेवल होते हैं, एक एक जो है एक साल के लेवल्स मेंटेन हो रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको ट्रेड करने की एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो देखिए 52 वीक हाई और लो को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए और बी से। मान लीजिए ए जो है वो 52 वीक हाई है और 52 वीक हाई, और बी जो है दोस्तों वो 52 वीक लो है। तो 52 वीक हाई जो भी बनता है, जो भी वैल्यू उसकी आती है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और एक एवरेज जो है वीकली साइज लेंगे।
एवरेज वीकली साइज दोस्तों क्या होता है, एवरेज वीकली साइज है कि एक वीक में जो है एक्सपेक्टेड मूव क्या है। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, जो भी हाई और लो बना है उसको अगर आप जो है हाई माइनस लो कर दें और उसको डिवाइड बाय 52 कर दें, तो दोस्तों ये जो आपके पास रेंज आती है, ये आपके पास 52 वीक हाई और लो का यूज करने के बाद एक वीकली साइज आ गया कि ये वाला स्टॉक जो है एक वीक में इतना मूव कर सकता है, एक वीक का इसका टारगेट जो है वो इतना हो सकता है। तो इसका फायदा आप कहाँ उठा सकते हैं दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई किया स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले लीजिए, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मान लीजिए आपने HDFC बैंक को ही शॉर्ट किया होता। देखिए जब इसने 52 वीक हाई अपना लिया और उसके बाद देखिए अभी मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूँ। देखिए इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपके टेक्निकल्स जो है वो सॉलिड होने चाहिए। आप टेक्निकल्स के बेसिस पे जो है कोई भी स्टॉक में एंट्री अपनी निश्चित कीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी है और मैंने इस ट्रेंड लाइन को देखिए दो स्विंग पॉइंट्स ले लिए, जो रीसेंट स्विंग पॉइंट्स थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो स्विंग पॉइंट्स को यूज करके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसके बाद देखिए 52 वीक हाई जो है आपका, वो 52 वीक हाई यहाँ पे है और इसके लिए मैं देखिए एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा 52 वीक हाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। 52 वीक हाई आपका ये है। अब ट्रेंड लाइन का देखिए दोस्तों ब्रेक हुआ है लेकिन ये इस स्विंग पॉइंट के नीचे नहीं आया, आप वेट करेंगे कि स्विंग पॉइंट के जब भी नीचे आए तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। और एक वीक की अगर आप पोजीशन ले रहे हैं, एक वीक का स्विंग, एक वीक या दो वीक्स का स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, तो आप इसमें कितना टारगेट ले सकते हैं वो हम आज निकाल के आपको बताएंगे। आप देखिए इसमें 52 वीक हाई जो है इसमें 2017 का है और 52 वीक लो कहीं हमने 1400 के आसपास निकाला था। देखिए अप्रोक्सीमेशन है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज चेक करनी है तो आप जाके एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एनएससी इंडिया की वेबसाइट मैंने खोली है, इसमें अब जब आप देखिए इक्विटी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो इक्विटी स्टॉक में यहाँ 52 वीक हाई और 52 वीक लो आता है। तो देखिए यहाँ पे हम HDFC बैंक का डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि HDFC बैंक का 52 वीक हाई और लो क्या है। तो देखिए 2015 इसका 52 वीक हाई है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 52 वीक हाई, 52 वीक हाई माइनस इसका 52 वीक लो दोस्तों 1369 है, 1369 में 52 वीक लो ले लेता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ इसको 52 से। तो दोस्तों 52 से इसलिए कि मुझे एक वीक की रेंज चाहिए, ये इसकी 52 वीक की रेंज है और मैं डिवाइड बाय 52 करूंगा तो एक वीक की रेंज आ जाएगी, मतलब कि ये एक वीक में जो है अंदाजन 12 पॉइंट मूव कर सकता है। एक वीक की जो मूवमेंट है, एवरेज जो है, एवरेज दोस्तों वो वीकली मूवमेंट है, वो 12 पॉइंट की हो सकती है। तो इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये एवरेज मूवमेंट है दोस्तों, कोई भी अगर न्यूज का ट्रिगर आएगा, मान लीजिए HDFC बैंक की अर्निंग्स आती हैं या HDFC बैंक का को कोई कोई बैड लोन जो है आज की डेट में, देखिए अभी जैसा कि आपने देखा था कि पंजाब नेशनल बैंक का बैड लोन आया था, उसके बाद से पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक जो है वो कितना ज्यादा जो है डाउन ट्रेंड में आ गया और वो अंदाजन 94 का लो बनाया था उसने। तो जब भी बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर होते हैं तो वो भी एक न्यूज ट्रिगर होता है उस स्टॉक को नीचे लाने के लिए। तो देखिए जब भी कोई न्यूज ट्रिगर नहीं होगा या कोई भी ग्लोबल जो भी ग्लोबल सिनेरियो से कोई भी इफेक्ट मार्केट जो है स्टॉक पे नहीं डालेगी, तो ये एक एवरेज वीकली साइज होगा 12.4 का, जो कि 12 पॉइंट्स की मूवमेंट एक वीक में आ सकती है। इसके साथ में एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि ये 12.4 की मूवमेंट एक साथ नहीं आती, एक दिन जो है वो मान लीजिए 8 पॉइंट चढ़ेगा, दूसरे दिन 4 पॉइंट गिरेगा, तो ये एक एवरेज वीकली मूवमेंट है। इसी को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको टारगेट बनाने में हेल्प करती है। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल वीकली चार्ट पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मान लीजिए 2 वीक की पोजिशन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं जो है अगर आपने शॉर्ट आइडेंटिफाई करा है तो यहाँ पे आप कहीं 25 से 25 पॉइंट की मूवमेंट, यानी एक वीक की 12.4 है तो 25 पॉइंट की 2 वीक्स की मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपना टारगेट जो है एक निश्चित कर सकते हैं।
दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे एवरेज वीकली साइज आपने निकाला है, वैसे आप एवरेज डेली साइज भी निकाल सकते हैं। एवरेज डेली साइज आप निकालेंगे तो आप देखिए, वीकली में मैंने 52 से डिवाइड किया था, और एवरेज डेली साइज अगर आप निकालते हैं तो एवरेज डेली साइज में हम जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 252 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है, और बाकी भी मार्केट की 17 से 18 हॉलीडेज होती हैं, नेशनल हॉलीडेज, तो ये सारे जो है 365 में से अगर हम माइनस कर दें तो 252 जो है मार्केट के ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो एक दिन की अगर मुझे मूवमेंट इसकी निकालनी है स्टॉक की, तो वो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको इस फॉर्मूले से बता देता हूँ। 52 वीक हाई हमने इसका निकाला था, 52 वीक हाई जो था इसका 2015 और 1369 इसका 52 वीक लो था दोस्तों। 2015 माइनस 1369 इसका लो था, और डिवाइड कर दें आप 252 से तो अंदाजन 2.5 पॉइंट की मूवमेंट आती है। एवरेज है दोस्तों ये एवरेज, किसी दिन ज्यादा भी हो सकती है, किसी दिन बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन जो डेली की एवरेज मूवमेंट होगी वो 2.5 होगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इंट्राडे में आप टारगेट जो है, अगर आपने कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करा है किसी स्टॉक में, और अगर आपने देखिए यहाँ पे अगर डेली चार्ट में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने स्विंग में आइडेंटिफाई कराया, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपना टारगेट रख सकते हैं। टारगेट जो है, टारगेट प्राइस रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो आपको रूल्स जो है वो ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 52 वीक हाई लो आप और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि 52 वीक जो हाई को ब्रेकआउट स्टॉक करता है और एक बुलिश कैंडल के साथ एक अच्छी वॉल्यूम से, तो वो भी एक एक ट्रेडिंग का सिनेरियो होता है। जैसे 52 वीक लो को भी ब्रेक डाउन करता है एक बियरिश कैंडल के साथ विद हाई वॉल्यूम्स। उसमें देखिए बहुत सब्जेक्टिव होता है वो इंटरप्रिटेशन करना कि वो चार्ट क्या कह रहा है, और उस स्टॉक के अगेंस्ट कोई न्यूज़ का ट्रिगर है, कोई ग्लोबल इकोनॉमी में अनाउंसमेंट है, या हमारी नेशनल इकोनॉमी में अनाउंसमेंट है, या फिर कोई भी सेक्टर जो है, सेक्टर स्पेसिफिक कोई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से वो स्टॉक रिएक्ट किया है। तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, वो आपको साथ जो है कंबाइन करके देखने होते हैं प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 52 वीक हाई लो के बारे में बताया। 52 वीक हाई लो बहुत ही इजीली आपको कहीं भी किसी भी साइट पे मिल जाता है, एनएससी की साइट पे आप देख सकते हैं। तो देखिए टेक महिंद्रा जो है वो 52 वीक हाई के आसपास है, इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 6.3390 है, 6.3490, यानी ये बहुत ही ज्यादा बुलिश है। चलिए आइए इसका भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, देखिए ये कितना बुलिश है, और देखिए ये डबल टॉप पे भी है। तो ये वाले देखिए, अगर ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करता है तो ये एक अच्छा लॉन्ग का हो सकता है, नहीं तो अगर ये जो है एक यहाँ पे कोई बियरिश टू कैंडल पैटर्न बनाता है, तो आप इसमें जो है 52 वीक हाई एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और टारगेट जो है मैंने आपको बताया, टारगेट आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आप कितना टारगेट उसमें रखना चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों टेलीग्राम के चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप देखिए हमारी परफॉर्मेंस उस इंट्राडे में, और कितने अच्छे ट्रेड्स हम आपको फाइंड करके दे रहे हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।